कैसे हैं आप। मैं सीमा मेहता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मल्टी स्टेप सिखाने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका, आप घर बैठे हुए बहुत आराम से कर सकते हो। और जो लोग मेरी कटिंग पसंद करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आज आपको लेयर कट बता रही हूँ, ठीक है। मिक्स कर दूंगी, मल्टी लेयर हो जाएगी। बहुत ही ईजी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको कि आप घर बैठे हुए बहुत आराम से कर सकते हो। सबसे पहले बालों को अच्छे से वॉश करवा लीजिए, है ना। अगर कस्टमर या घर पर काट रहे हैं तो अगर वो वॉश किए हुए हैं तो बाल गीले जरूर कर लें। कान का पार्टीशन तो हमेशा आपको निकालना है, ठीक है। और कटिंग हमेशा गाइडलाइन के हिसाब से करनी है आपको। छोटी छोटी बातें होती है फ्रेंड, वो बहुत काम की होती है, तो आप छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान में रखें। उसके बाद आपका कटिंग एकदम परफेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले तो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से बाल गीले कर लेना है। आपको कान के पीछे की साइड से अपने कॉम में बाल उठाने हैं फ्रेंड। थोड़ा सा यू शेप ले लीजिए। बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये कान के पीछे से। आपका जो लाइन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका लाइन क्लियर नहीं होगा तो आपका कटिंग भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ से आप 90 डिग्री तक अपने बाल उठा लेंगे। उसके बाद आपको ओनली एक टर्न करना है फ्रेंड। इस तरह से आप टर्न मारेंगे और यहाँ से लिए हैं आपने हाफ बाल ले लीजिए। एक टर्न मारने के बाद आपको स्ट्रेट कैची चला देना है। ठीक है, और ये देखिए ओनली वन कट में आपका एक लेयर निकल कर आ गया फ्रेंड। ओनली मैंने अभी वन कट किया है, उसमें आपका एक इतने अच्छा सा लेयर निकल के आ गया। ध्यान रखिए 90 डिग्री तक उठाना है और हाफ बाल लेना है। अब इसी स्टेप को आपको दोबारा से दोहराना है। जो मैंने स्टेप अभी दोहराई है वही स्टेप आपको दोबारा से लेना है। आपकी लाइंस एकदम क्लियर होनी चाहिए। आपको थोड़े से नीचे के जो बाल है फ्रेंड वो इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। वही 90 डिग्री तक आपको ले जाना है। आपको एक टर्न करना है। एक टर्न करने के बाद आपको स्ट्रेट कट करना है, ठीक है। यू शेप करोगे तो बहुत अच्छे से स्टेप्स नहीं आएगी। मैंने यू शेप का भी कटिंग बता रखा है, आप इसमें स्ट्रेट कट करोगे, ठीक है। क्योंकि बाल बहुत पतले हैं तो पतले होने की वजह से मैं स्ट्रेट कट कर रही हूँ, जिससे कि इनके स्टेप्स एकदम क्लियर दिखे। ये देखिए इनके स्टेप बहुत ही, आप जूम करके देखोगे फ्रेंड इनके स्टेप एकदम आपको क्लियर दिखाई देंगे, ठीक है। मेरी क्लाइंट है उनको बाल छोटे करवाने हैं शोल्डर पर, थोड़ा सा मैं शेप डाल देती हूँ कि अच्छे से पोनी बन जाए फ्रेंड। फिर मैं उसके बाद इसको मल्टी लेयर में ऐड करती हूँ। अभी तो मैंने ओनली टू स्टेप डाल दी है। अब देखिए मैं इनको शेप डाल देती हूँ पहले बालों का। तो आप यू शेप डाल दीजिए। यू शेप डालने के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों साइड के बाल ले लेने हैं। सबसे इजी ट्रिक है यू शेप काटने की, दोनों साइड की स्टेप ले लेनी है। ये आपकी गाइडलाइन है, जितने बाल आपको छोटे चाहिए आप उतना। ये देखिए शोल्डर तक लेना है मुझे, मैंने ये शोल्डर का ले लिया है। और ये देखिए ये आपकी गाइडलाइन हो गई। अब आपको अपना शेप, ये देखिए गाइडलाइन पकड़ के यहाँ से सेंटर से आप यू शेप डाल दीजिए। देखिए मैंने इनका एक सिंपल सा यू शेप डाल दिया, थोड़ा सा डीप कर दिया है फ्रेंड। इससे क्या होगा कि इनकी जो पौनी बनेगी वो एकदम डीप यू में बनेगी। स्टेप दिखाई दी आपको, ये देखिए इतना सिंपल कट है फ्रेंड। घर बैठे हुए बहुत आराम से आप कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा मल्टी लेयर ऐड कर देती हूँ।
मल्टी लेयर ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, वही स्टेप मुझे दोबारा से दोहरानी होगी। अब आपको वन नहीं टू टर्न करना है, 90 डिग्री पर ले जाना है। 90 डिग्री पर ले जाने के बाद आपको बालों को स्ट्रेट कट में काट देना है, ठीक है। ये आपकी मिक्स कट हो जाएगा फ्रेंड, देख सकते हो आप। स्टेप दिखाई दे रही है, चलिए मैं आगे का कट ले रही हूँ फ्रेंड। आगे का कट मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ। आपने जो कान का पार्टीशन छोड़ा हुआ है आप उसको ले लीजिए, थोड़ा सा आप रेजर लुक डाल देंगे, आजकल काफी ट्रेंड में भी है फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है और इनका थोड़ा सा पतला फेस है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लेंगे यहाँ से, लिप्स के यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप कैची को पकड़ेंगे अपने, थोड़ा सा आप उनके सिर को, अपने कस्टमर को थोड़ा सा झुका देंगे। उसके बाद आप स्ट्रेट कैची चलाएंगे फ्रेंड, कैची आपको बिल्कुल झुकानी नहीं है, स्ट्रेट कैची चलानी है आपको इस तरह से। आपका जो पीछे के बाल है उसमें ये कटिंग आपको मिक्स करनी है, आप देख सकते हो, दिखा देती हूँ आपको। इसी तरह आपको गाइडलाइन लेके दूसरी साइड में भी कट कर देना है। गाइडलाइन आपको कैसे पकड़नी है, थोड़े से बाल आपको लेने हैं, थोड़े से इधर से लेने हैं, इनको आपको यहाँ से गाइडलाइन लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर कटिंग में बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो आपको ये सबसे पहले गाइडलाइन लेनी है, उसके बाद आपने जो बाल छोड़ रखे हैं कान के पार्टीशन पे, अब आपने जो गाइडलाइन, सबसे सिंपल है ऐसे कटिंग, बिल्कुल आपकी गड़बड़ नहीं होगी, जो आपने गाइडलाइन ली हुई है बस गाइडलाइन से ही आपको कट कर देना है। गाइडलाइन देख लीजिए आपकी कहाँ आ रही है, यहाँ से ही आपको कट कर देना है। कैंची एकदम स्ट्रेट चलानी है, बिल्कुल आपको मोड़नी नहीं है कैंची। उसके बाद आपको नीचे दोनों बालों को बराबर करके कट कर देना है। देखिए कितनी सिंपल कट है, और इनके फेस पे भी देखिए आप, मैं आपको दिखा दूंगी। अभी मैंने मशीन वगैरह नहीं लगाई है फ्रेंड, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी भी मशीन लगाकर कटिंग कैसी लगेगी। अभी आप देख सकते हैं, पहले आपने इनके बाल देखे थे,